बाकी एकदम नीरे इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गुलाब लिया है, और ये जो अपन गुलदस्ते में ये यूज करते हैं ना गुलाब, वो आपको नहीं लेना है। यहाँ पर ये देखिए पिंक कलर का मैंने गुलाब लिया है, रंग बिरंगे भी आते हैं नारंगी व्हाइट, वो भी नहीं लेना है। लाल कलर का ले सकते हो देसी गुलाब। और प्लस मैंने फुल फैट दूध लिया है, आप गाय भैंस कोई सा भी दूध ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सा भी दूध ले सकते हो। और एक यहाँ पर मैं बर्तन ले रही हूँ और इसमें ये फुल फैट वाला दूध लेंगे, इसमें ये गुलाब की पत्तियां डालेंगे। थोड़ी ज्यादा भी ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पर थोड़ी ज्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आने के लिए। और नीचे से गैस ऑन करके दूध में उबाल आने देंगे। और साथ में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ एक चम्मच शक्कर, शक्कर की जगह आप मिश्री भी ले सकते हो, और ये अपन इसमें ऐड करेंगे। अब ये देखिए दूध दो तीन टाइप से आप बना सकते हो। एक टाइप तो मैं आपको यहाँ पर ये बॉईल करके डायरेक्ट पत्तों को ग्राइंड करना बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ। एक आप ऐसे ग्राइंड कर सकते हो, जैसे पत्तों को दूध को मिक्सी में ग्राइंड करके आइस मिलाकर ये गर्मियों का दूध हो जाएगा, तो आप वैसे बना सकते हो। और ये सर्दियों का दूध बनाना बता रही हूँ कि सर्दियों में आप ऐसे गरम गरम दूध बना सकते हो रोज का। गुलाब की बहुत सारी रेसिपियाँ बनती है, जैसे गुलाब की आइसक्रीम, गुलाब का डिजर्ट, गुलाब का केक, तो ऐसे आप बहुत सारे टाइप से रेसिपियाँ बना के भी खा सकते हो। स्किन में निखार आता है, सौंदर्य के लिए जाना जाता है। अब ये जो अपन ने दूध बनाया है ना, इसमें शक्कर ऐड ना करके हल्का सा थोड़ा सा दूध लेकर फेस के लगा भी सकते हो। जो डेड स्किन होती है और स्किन अपनी फटती है सर्दियों में, तो वो नहीं फटेगी, तो आप ऐसे दूध यूज में ले सकते हो। और ये देखिए इसमें तीन चार उबाल आ चुका है, मैं नीचे से गैस बंद कर दूंगी। और वापस से मैंने वही गिलास लिया है, मैं यहाँ पर छानना नहीं रही हूँ ना ही पत्तों को ग्राइंड किया है। अब मैं पत्तों को ग्राइंड क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये जो बाइट आते हैं ना, वो बड़े ही टेस्टी लगते हैं। आप चाहो पत्तों को ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हो इस दूध में। और ये लीजिए अपना टेस्टी सा दूध बनकर तैयार हो चुका है। रात को आप सोते टाइम पीते हो तो कब्ज वगैरह एसिडिटी वगैरह भी नहीं बनती है, क्योंकि कब्ज नहीं रहेगी तो अपने ये जो फेस पे क्रीम मुहासे नहीं होंगे, ये शरीर में जाकर ठंडक प्रदान करता है। तभी तो डॉक्टर अपने फेस पे लगाने के लिए कहते हैं कि शरीर में ठंड रहेगी बाहरी रूप से, तो ये क्रीम मुहासे नहीं होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।